नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M12 जीके में। विकलांग जन, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के तहत मैं आपको यह खबर बता रहा हूँ। अभी तत्काल जस्ट कुछ ही मिनट नीतीश सरकार ने बिहार राज्य में भी सभी विकलांगजन, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन राशि को बढ़ा दी है। खबरों के सूत्रों से खबर आई है कि नीतीश कुमार जल्द ही इस पर एक ठोस कदम उठाने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले ही सत्र में कुछ नेतागण इस मांग कर रहे थे कि पेंशन राशि को बढ़ा दिया जाए, कम से कम 3,000 किया जाए, कम से कम 2,000 किया जाए। और दिव्यांग क्षेत्र में जो संगठन काम करती है, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी से कम दिव्यांग राशि, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन 4,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो इसी खबर में मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूं। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपका भी अगर पेंशन आ रहा है तो आपके लिए ज़रूरी वीडियो हो सकता है। क्या है पूरी खबर, मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो मैं जब ही डालूं तो आपके नोटिफिकेशन चल जाए और आप उसे देख पाएँ। चलिए तो पूरे विस्तार से हम देख लेते हैं क्या है। नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री ने इस पर मोहर तुरंत ही लगाने वाली है। पूरी विस्तार में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या कर रही है नीतीश कुमार। अब बेरोजगारों को, सॉरी विकलांगजनों को, वृद्धावस्था और विधवा को जो 500-400 मंथली मिलती थी, उसे बढ़ाकर 2,000 करने के मूड में दिखाई दे रही है। चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से यह वीडियो बताता हूँ कि क्या खबर है, क्या किस तरह से होने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार में विकलांग पेंशन कब मिलेगा, यानी बिहार विकलांग, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये दी जाती है। योजना की राशि लाभार्थी के अकाउंट में भेज जाती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आपके खाते में यह पैसा डायरेक्ट आता है DBT के माध्यम से। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तथा आपके अकाउंट में पेंशन राशि नहीं आती है, तो आप जिला कल्याण कार्यालय या ब्लॉक ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो टोल फ्री नंबर, इस पर भी फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं कि आपका पेंशन आया कि नहीं आया, क्या हुआ। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने अनाउंस कर दिया है कि सभी दिव्यांगजन, विधवा और मुस्माती जो हैं वृद्धावस्था को, सभी को पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। लगभग 2,000 पर महीना मिलेगा। आप देखिए, केंद्र सरकार, यहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से निःशक्त अपाहिज लोगों को सरकार का मासिक भत्ता देती है। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से दिव्यांग या निःशक्त लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छा से बन सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मोदी साहब की जो है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसी के तहत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के तहत जब तक दिव्यांग समाज के सबसे निचली स्तर के करी, जो सबसे लाचार हैं, वह आत्मनिर्भर तब तक नहीं बन पाएंगे तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इसी को मद्देनजर ध्यान रखते हुए नीतीश सरकार ने 2,000 दिव्यांग पेंशन लागू करने का निर्णय ले लिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए दोस्तों कि अब एक दिव्यांग संगठन है, वह उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की थी कि कम से कम दिव्यांगों की पेंशन 4,000 होनी चाहिए। देखिए, बिहार विकलांग अधिकार मंच ने राज्य में दिव्यांगों को मिलने वाली 400 रुपये पेंशन की राशि को बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की मांग की थी। कितना? 4,000 करने की मांग की थी। मांग मंच के प्रमुख डॉक्टर संरचना अनिल सुलभ, राज्य सचिव राकेश कुमार और कमेटी सदस्य बिहार नेत्रहीन परिषद के संस्थापक महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने गुरुवार को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मौजूदा वैज्ञानिक युग में दिव्यांग के प्रति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रतिभा के अनुकूल उन्हें अवसर नहीं दे पा रही है। मंच ने सरकार से बिहार में दिव्यांग को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़कर 4,000 रुपये की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, 400 से बढ़कर 4,000। तो यही सब मांग को लेकर नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री ने जल्द ही इस पर जो है मोहर लगाने वाली है कि सभी दिव्यांग को और विधवा को और वृद्धावस्था पेंशन को 2,000 पर मंथ करने जा रही है। कितना दोस्तों? 2,000 पर मंथ करने जा रही है।
2000, तो इसके हिसाब से 2000 आएगा तो 12 महीना का कितना हो जाएगा, 24000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 24000 रुपये। 24000 रुपये आपके खाता में हर साल आएंगे, जिससे आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे और भारत के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में सहयोग दे पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।